जय हिंद दोस्तों, देख सकते हो फिलहाल मैं हूँ एक खूबसूरत से शहर में। पहले तो आप इस जगह को देख लीजिए, जस्ट पीछे ये मंदिर है और मंदिर के बाजू में देखिए ये कुछ है सेंट्रल कैफे करके। ये है भाई त्रिवेंद्रम सेंट्रल, बोले तो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। केरला की राजधानी में हूँ दोस्तों मैं फ़िलहाल। अभी मैं आया हुआ था तिरुवनंतपुरम, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ केरला की जितनी भी ट्रेन में मैं जर्नी करूँगा छोटा बड़ा, लेकिन हाँ मैं उसको आपके साथ शेयर जरूर से करना चाहता हूँ। इसलिए अभी हम यहाँ से कोलम जा रहे हैं, तो कोलम तक का जो एक शॉर्ट जर्नी है ना वो मैं आपको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ कि कैसा रहता है भाई ये जो रूट है, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। और आप लोग इस चीज़ के लिए लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि केरला अभी अपन घूम रहे हैं ना, तो जितनी भी ट्रेन हो सबको मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। अलग अलग 3-4 रूट बना के आया हूँ मैं, कि टाइम जो है लगभग 5:50 होने को है और काफ़ी चहल पहल स्टार्ट हो गया है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर में। चलिए अब अंदर प्लेटफॉर्म में जाते हैं और फिर अपनी ट्रेन को बोर्ड करते हैं। बता दूं यहाँ से मैं कोलम जा रहा हूँ, जो कि 64 किलोमीटर अप्रॉक्स है और इसका जनरल में 40 रुपीज़ का किराया है। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अब मदुरई से तिरुवनंतपुरम आ रही है, तभी पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। यहाँ पे नाम है इसका अमृता एक्सप्रेस। गाड़ियों का नाम ना साउथ इंडिया में बहुत ही मस्त मस्त रहता है दोस्तों, एकदम मतलब जो इंसान लोग का नाम होता है ना वैसे ही फीलिंग देते हैं। अमृता नाम देखो कितना मस्त है ना, तो अमृता नाम है इस गाड़ी का। ICF कोचेस की ट्रेन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, तो हम भी टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ICF में जर्नी करेंगे। चलिए इधर वाले प्लेस में दोस्तों यहाँ पे आपको एक वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट रूम वगैरह मिलेगा, तो चलिए इसके अंदर जाके कुछ खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहले यहाँ पे एक बार पता कर आ चुका है दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट। देखिए अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लिया हूँ और थैंक यू, और फिलहाल बिलिंग भी सब हो गया अपना। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार मेरा ब्रेकफास्ट। उपमा वड़ा, ये वड़ा और ये उपमा, ये ऐसे अपन को पड़ गया 40 रुपीज़। साथ में चटनी सांभर भी दिया, और ये साथ में साउथ इंडिया आए हैं तो यहाँ का कॉफ़ी, केरला का सबसे स्पेशल कॉफ़ी जो है वो ना लें तो ऐसे में कैसे चलेगा, तो ये 10 रुपये का ऑफर। तो चलिए इसको पहले एक बार मैं टेस्ट करता हूँ कॉफ़ी को, उसके बाद मैं, वैसे तो अपना ट्रेन का और डिपार्चर होने में 1 घंटा बचा है, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आराम से, उसके बाद सीधा प्लेटफॉर्म पे चल जाएंगे। कॉफ़ी भाई साउथ इंडिया का जो बोलते हैं ना एकदम नेक्स्ट लेवल कॉफ़ी है। हाँ एकदम मज़ा आ गया, सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाए ना, वैसे मेरे को चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, लेकिन हाँ कॉफ़ी मिल जाए ना तो अलग ही मज़ा आ जाता है। फोर्टी रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही नेक्स्ट लेवल वर्थ इट है भाई, टेस्ट एकदम घर का आ रहा है, हल्दी नहीं डाले नॉर्मल वाला है, लेकिन हाँ भाई मज़ा आ गया खा कर। अपन ज़्यादा ऑयली अगर नहीं खाना है ना तो आप उपमा वड़ा वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको साउथ इंडिया में उपमा वड़ा और ये जो बोलते हैं ना पोंगल वड़ा हो गया और दूसरा जो भी है इडली वड़ा, ये सब आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो अगर आपको ऑयल नहीं खाना है तो आप इसको खा सकते हो, मिनिमम 50-40 रुपीज़ में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। रही बात दोस्तों अगर वड़ा की करूँ ना, तो वड़ा को भी आप देख लीजिए एक बार, एकदम सॉफ्ट है, एकदम आराम से टूट रहा है, और साथ में ये चटनी दिया और ये सांभर, अगर इसका कॉम्बिनेशन का बात करूँ ना भाई, वड़ा वगैरह खाना है ना साउथ इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है यार, मज़ा आ गया। सुबह सुबह ज़्यादा हेल्दी फूड खाने से अच्छे यही है कि आप हेल्दी फूड खाओ वो बेटर होगा। चलिए मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। अब यहाँ से अपन चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म 4 पे लगी हुई है, तो चलिए अब चलते हैं। मौसम देखिए तिरुवनंतपुरम में एकदम पूरा क्लाउड है, बारिश होने का पूरा संभावना है यहाँ पे, और ये शायद यार्ड है इधर प्लेटफॉर्म 5 का, और जो मेन प्लेटफॉर्म 1 है वो आपको इस साइड देखने को मिलेगा। आ गए आगे की साइड, और आज हमको WAP-4 लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को हॉल करेगी। अब इसका पता नहीं कहाँ रेक रिवर्सल वगैरह होता है कि नहीं होता है, तो पूरी सिकंदराबाद तक आज ये WAP-4 लोकोमोटिव भी इस ट्रेन को लेके जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे कैसे पिजन्स है,
क्या खूबसूरत लोकोमोटिव्स है एर्नाकुलम के, देख रहे हो। अब आने वाले टाइम में ये भी पूरे स्क्रैप हो जाएंगे, ये शायद यहाँ पे शंटिंग का काम करते होंगे। देखिए कितना सुंदर लोकोमोटिव है यार, एल्को एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे। और पीछे तो अभी के लेजेंड वेब सेवन्स लालागुड़ा वेब सेवन रुका हुआ। बारिश होगा दोस्तों, आज तो बारिश होगा फिक्स है, और बारिश में ब्लॉगिंग करेंगे, आपको केरला का कुछ कुछ अच्छा रूट्स दिखाएंगे। और विघ्नेश भाई से बात हुआ है कि विघ्नेश भाई बोले हैं कि भाई कोलम साइड में बाढ़ आया हुआ है, तो देखते हैं हमारी ट्रेन जो है ना कैसे मतलब इस पूरे चीज़ को कवर करते हुए आगे जाएगी, अपने रास्तों में अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगी पूरे कठिनाइयों को चीरते हुए। बाकी अपने पीछे लग चुकी है WP4 के साथ सिकंदराबाद एक्सप्रेस, मतलब सिकंदराबाद जाने वाली सबरी एक्सप्रेस। तो चलिए अब जाते हैं और इसमें होते हैं बोर्ड, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं टिल कोलम, फिर कोलम से आगे जिधर जाना है अपन उधर भी चलेंगे। अपना लोकोमोटिव का बात करूँ ना, तो लोकोमोटिव आप एक बार देख लीजिए, वेब 4 लगा है अरक्कोनम शेड का, जो कि इस ट्रेन को सिकंदराबाद लेके जाएगा। 6:23 हो चुका है और 6:45 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर है तिरुवनंतपुरम से। देखिए दोस्तों अपनी ट्रेन का डिपार्चर के लिए मात्र 5 मिनट बचा, और उससे पहले यहाँ पे एक ट्रेन को डिपार्चर दिया गया है, जिसको कि अपन आगे चल के बहुत जल्द इसको ओवरटेक करेंगे। आप देखते रहिएगा वीडियो में आगे, जो कि ये मदुरई से पुनलोर की तरफ जा रही है, तो इसको अभी अपन बहुत जल्द ओवरटेक करेंगे। हो गया है डिपार्चर सिग्नल और बस अब ले ही लेगी अपनी ट्रेन। बाय बाय तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, मावेली एक्सप्रेस, क्या एक से एक नाम रहता है दोस्तों यहाँ पे ट्रेनों का। सुबह आपको एक टॉक दिखाया था जिसका नाम था अमृता एक्सप्रेस, अभी देखो ये मावेली एक्सप्रेस, नाम भी एकदम गजब गजब का है भाई, मज़ा आता है सुनने में। और यहाँ पे कोई तो ट्रेन है WP4, ये भी अरक्कोनम के WP4 के साथ होम सिग्नल पे वेट करती हुई तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के तो हर ट्रेनों का रेट शेयरिंग होता है, तो समझ नहीं आता है कौन सी गाड़ी है, क्योंकि 4-5 नाम लिखा हुआ है। देखिए अब एक ठोक एसी सेकेंड टीयर और एक ठोक एसी थ्री टीयर के साथ स्कीपिंग तिरुवनंतपुरम पेट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है कि PH है पता नहीं, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ से एक्सेलरेट करना चालू हो चुकी है। एंजॉय कीजिए भाई, रैप और हॉन्क मारता है ना भाई, अलग ही मज़ा आता है। हमारी ट्रेन को निकलने से 5 से 10 मिनट पहले इसको डिपार्चर दिया गया था यहाँ से, और फाइनली अब अपनी ट्रेन यहाँ पे इसको ओवरटेक मार रही है। ये होता है प्रायोरिटी, मतलब हर ट्रेन का अपना अलग ही प्रायोरिटी रहता है, लिमिट वगैरह लगा होगा। अच्छा 45 का लिमिट लगा हुआ है यहाँ वेब को नाम वेब। यहाँ पे बहुत वेब और ही ज़्यादा चल रहा है, कोचुवेली रेलवे स्टेशन आपका। सावधानी को पहले से पूरा ट्रेन मिला रहता है ना, जैसे ट्रेन कर्व बनाती है ना लाइन से, पूरा 3-4 सिग्नल तक पूरा ऐसे लाइन से ग्रीन कलर का ही दिख रहा है, तो अच्छा है प्रायोरिटी मिल रही है इधर की गाड़ी को अच्छा से। ओवरटेक जब तक नहीं किए तो उसके थोड़ा सा धीरे हुआ था, लेकिन हाँ उसके बाद गाड़ी को लाइन से पूरा ग्रीन 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 सिग्नल दिया जा रहा है।
बारिश चालू हो गया फाइनली, और अभी तो गिर रहा है, लेकिन अपन बारिश में ब्लॉगिंग करेंगे और जाएंगे आगे। वारकाला शिवागिरी रोड का WKG 5HK पैसेंजर ट्रेन तिरुवनंतपुरम कोलम, कोलम से तिरुवनंतपुरम जा रही है पैसेंजर ट्रेन। अराइवल हो रहा है और एक और अरक्कोनम मैप 7 के साथ वो गरीब रथ एक्सप्रेस। इसका डिपार्चर हो रहा है कोलम से और हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। आ चुका हूँ मैं कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। बारिश हो रहा है, बारिश में ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं अपन, ब्लॉगिंग तो बंद नहीं होगा। साथ में पहले से आप देखिए स्टार्टर सिग्नल इसका मिला हुआ है। गाड़ी अच्छा लगा, ICF गाड़ी थी, एकदम फ्लैट 100-110 पे चली। देखिए इसको स्टार्टर मिला हुआ है और सामने से कोई और ट्रेन आ रही है दूर में और बारिश हो रहा है। और अगर आप उधर देखोगे तो यहाँ पे एक WDP 4D के पीछे में एक सैफरॉन वंदे भारत के रेक्स भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों बस ये व्लॉग इस ICF ट्रेन का यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। हॉन्किंग हो गया इसका डिपार्चर का। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों इसका डिपार्चर आप देख लीजिए, ये सीधा भी जा रही है सिकंदराबाद के लिए जा रही है ये तिरुवनंतपुरम से। चलो ड्राइवर भी अच्छा था, वो रोक के रखा था। डिपार्चर हो गया फाइनली इसके यहाँ से।